आस पास ही है वो। ओ भाई अभी भी गया नहीं। तो दोस्तों आप सबको स्वागत करता हूँ हमारे और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग फिर से कैंपिंग करने वाले हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जंगल में, जो कि उत्तराखंड का सबसे डेंजरस जंगलों में से एक है। और गाइस आज हम लोग यहाँ पे खाना भी पकाने वाले हैं, चिकन। और सुनने में ये भी आया है यहाँ पे जो बंदा चिकन खाता है उसको ओरिजिनल चिकन खाने के लिए आ जाता है बाग। तो देखते हैं आज हमारे साथ कुछ ऐसा सीन होता है क्या, वो आप लोगों को तो आगे पता चली जाएगा। अगर आप लोग वीडियो स्किप करके देखोगे तो आप लोगों को थोड़ा बहुत भी मज़ा नहीं आएगा, प्लीज़ इसके लिए आप लोग वीडियो को स्किप करके मत देखो, ठीक है। तो चलो आगे हम लोग अभी करते हैं अपना टेंट पिचिंग। फिलहाल ये रहा, देख सकते हो अपना सामान वगैरह इधर है। इधर है सिलेंडर जिससे अपन बनाने वाले हैं चिकन। इधर है अपना टेंट जिस पे अपन सोने वाले हैं। इधर है मैट्रिस और इधर चिकन का आगे रे देवा। ये क्या बात करता है यार। तो गाइस फाइनली अपना टेंट लग चुका है। तो ये देखो आज हम लोग इस पे सोने वाले हैं और इसमें बैठ के खाने वाला है। तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ। और यहाँ पे ना बहुत अचानक भयानक जानवरों का आवाज़ भी आ रहा है। और अपने सामने एक छोटा सा नदी भी है। सुनने में ये भी आया है यहाँ पे ना जानवर लोग पानी वानी पीने के लिए आते हैं, तो हम भी वहीं से पानी पियेंगे। देखते हैं हमारे सामने अगर कोई पड़ता है तो आपको दिखाएंगे, इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा लास्ट तक वीडियो को देखना, तब आप लोग को मजा आएगा। फिलहाल तो मैं आप लोग को टेंट का अंदर दिखाता हूँ टेंट का अंदर क्या है। टेंट का अंदर कुछ ऐसा है, यही पे आज हम लोग सोने वाला है। फिलहाल तो मैट वगैरह कुछ लगा नहीं है, मैट लगाने के बाद ही मजा आएगा। ये आज काम आएगा, कोई अगर आ गया ना सामने पेल दूंगा पेल। और आगे बहुत घना जंगल है, क्या करूँ, थोड़ा मजबूरन ये लाना पड़ता है, समझ रहे हो ना आप लोग। ये आज ऐसा काम आएगा, पहले तो मैं सोच रहा हूँ इससे अपना जो चिकन है उसका कटिंग करूँ, कटिंग। तो इसमें बनने वाला है अपना चिकन आज का डिनर। और भाई थोड़ा बहुत अपने को डर लग रहा है, मौसम जो है वो पूरा काला हो चुका है, कलवा हो चुका है। तो इसके लिए अपन ने इधर रेन कवर डाल लिया है, इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। और इसका जुगाड़ देखो, जुगाड़ इतने बड़े बड़े बोल्डर से हमने जुगाड़ किया है। तो आप लोग भी कभी ऐसे घने जंगलों में कैंपिंग वगैरह करो तो प्लीज़ सेफ्टी करके करना, सेफ्टी, क्योंकि अपना जो जान है वो बहुत बड़ा नहीं है। कब आप मर जाओगे आपको कुछ पता नहीं, लेकिन तब भी थोड़ा सेफ्टी बरकरार रखना आपका खुद का फर्ज होता है। वहाँ से ना जंगलों में से ना अनाप शनाप आवाज़ आ रहा है, तो इसके लिए अपन ने कुछ जुगाड़ पाती निकाला। तो जुगाड़ पाती ये है, अपन आज पूरा रात कैंप में आग नहीं लगाएंगे, कैंप के बाहर में पूरा आग लगा लेंगे। जब आग लग जाएगा ना तो थोड़ा बहुत जानवर डरेंगे, हमसे नहीं आग से डरेंगे। हमसे क्यों डरेंगे यार, हम कौन है, हम लोग हैं यार, आग से क्यों डरेंगे, आग है, समझ रहे हो ना। तो फिलहाल यही सब लकड़ी लेके जाएंगे और शायद से आज हम लोग इससे नहीं बनाएंगे चिकन, चिकन बनाएंगे हम अपनी गैस से। तो भाई क्या लगा दिया आपने, आग। क्यों लगाया, क्योंकि हम आग लगाने में माहिर हैं, आग लगाने में माहिर है। और भाई ये जो आप लोग देख रहे हो ना इसको हम लोग आग बाद में लगाएंगे, पहले तो फिलहाल अपन ये जो छोटे छोटे लकड़ी है इससे लगा के इसको लगाएंगे ना। लोग छोटे से बड़े होते हैं, और जो लोग सीधा सोचता है ना मैं सीधा बड़ा हो जाऊंगा, वो तो यार अलग ही लेवल का बंदा है, समझ रहे हो ना, वो आगे के बारे में नहीं सोचता। फिलहाल यहाँ पे अपन बनाएंगे चिकन। चिकन बनाओगे कि नहीं ब्रो? चिकन बना देंगे भाई। का चिकन बनाओगे बताओ ना, का चिकन बनाओगे? चिकन जल जला, तब से तो बोल रहा हूँ चिकन, लेकिन यार चिकन है कहाँ पे? कही यार आपको चिकन बोलते बोलते ना वीडियो ना खत्म हो जाए। तो फाइनली चिकन दिखाने का टाइम आ चुका है, आज ये मेरा पेट में जाने वाला है, मेरा पेट में और किसी का पेट में नहीं। ये देखो कितने सारे चिकन। फिलहाल तो मैं इनको धो रहा हूँ, उसके बाद इनको पकाएंगे भी हम, कैसे पकाएंगे ये आप बाद में देखना। टाइगर टाइगर
चुकी है। इधर गई पे अभी गौतम टाइगर है। टाइगर 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 ओ माय गॉड भरो 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 ओए भाई भाई ओ रुक रुक यहां पे भी ओ तेरी ओ माय गॉड वो जा रहा है वो जा रहा है कबीरा ब्रो कबीरा ब्रो वो बाहर तो आ बाहर तो आ बाहर बाहर ओ माय गॉड टाइगर ओ बे लेपर्ड है लेपर्ड है ओ ओ टुक 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 ओ ओ ओ हां हां वही 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 अबे यार अचानक से ना हमने तो बोलते लेपर्ड देख लिया हां अरे 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 बाहर मैं जैसे ही प्याज काट रहा था भाई मैं नहीं रह रहा भाई ओ माय गॉड मैं नहीं रह रहा भाई अंदर जा अंदर जा भाई खतरनाक आवाज आई ओए बाप रे ओ भाई पानी भी नहीं यहां नहीं आया था यहां पे पानी नहीं है भाई तो आवाजें सुनी हमने तब के हो छुड़ गए थे आवाज सुन ली और आज तो हमने आग भी लाई है हट गई क्योंकि आवाज आग में बिल्कुल तो घर की तरफ चले गया आस पास ही है वो ओ भाई अभी भी गया नहीं क्या करें आग जलाएंगे आग जलानी पड़ेगी लगता है मेरे को आग जलाने मत जाओ भाई ओए इधर से आवाज़ आ रहा है साइड में ही है उधर से आवाज़ आ रहा है वो देखो पास आ गया ओ भाई आज हम लोग कहाँ फंस गए यार यार इतना भयानक भयानक आवाज आ रहा है ओ माय गॉड पल्ली साइड से यार इस साइड के कब चली गया अरे ब्रो 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 आग जलाओ यार मुझे बहुत डर लग रहा है ऐसे जंगल के बीचों बीच आपको तेज करते हैं आग को तेज करते हैं ब्रो चलो तेज करने कौन जाएगा भाई बाहर आग भी तो बाहर भी है ना वो तो अपने सामने खर खर कर रहा है आवाज आ रहा है इस तरफ से ना ये लोग बार बार पानी पीने के लिए आ रहे हैं बैंकर काफी डर लग रहा है आवाज इतनी भारी है ना उसकी भाई दिमाग हिला दिया उसके ओ देखो 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 ओ भाई ओ माय गॉड देख भाग रहा है वो देखो वो देखो वो जा रहा है उस साइड हां हां उस साइड गया वो रहा रो 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 राइट साइड हां वो रहा वो देखो दो है भाई पूरी फैमिली लग रही मेरे को ये फैमिली में वैसे अटैक नहीं करता है ना भाई अटैक का बातें मत करो इस तरफ भाई मेरे को तो डर ही लग रहा है अबे यहाँ पे आ गया था पानी पीने के लिए सामने एग्जैक्टली ये रहा यहाँ इस पानी पे तो आया था यहीं से दवाई और अपन ऐसे जगह कैंप लगा रखे ना एकदम बीचों बीच वो क्या है भाई वो क्या है जो देख रहा है क्रोकोडाइल तो नहीं है पानी वो हो एच का ये भाई लाइफ में पहली बार आंखों से ऐसा शेर देखा मैंने ओ माय गॉड अभी जाते हैं बाहर जाके जो आग है उसको थोड़ा बड़ी कर देते हैं मैं तो यार पहले मजाक सोच रहा था लेकिन यहाँ पे अभी फट रही है यार क्या कर सकता हूँ रात के 1 बज रहे हैं अभी बाहर भी नहीं जा सकता एकदम नदी के बीचों बीच अपन कैंप लगा के बैठे हैं थोड़ी देर बाद में आ जाता है पानी पीने के लिए और कब आता है कुछ पता नहीं चलता सिर्फ टेंट के पास आके हर 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 साउंड देता रहता है यार आज पूरा रात ऐसा नहीं पूरा रात आज नींद नहीं आएगा अबे यार भाई डरा मत यार अरे मेरा खुद फट गया भाई
मैं तो क्या बताऊँ कैसे भागता, मैं तो समझ ही नहीं पाया, उधर से आ रहा था। तो इधर चावल हो चुका है और इधर बन रहा है अपना चिकन। अहवा भाई, ये कितना देते रहोगे यार, चिकन डालो चिकन, इसके लिए तो वेट कर रहे हैं, जल्दी डालो यार। कब इंजन में जाएगा, कब इंजन में जाएगा, यही सोच रहा हूँ। और मन में थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि पीछे मेन इंजन में कहीं वो हमें ना ले ले इंजन में, इसके लिए समझ रहे हो ना, डर लगता है। आहा, शांति शांति, चिकन बनना चालू हो चुका है। शांति ब्रो, शांति ना। खुशबू से पेट भर जाएगा लगता तो, ऐसा ही है। अरे बाबा, अरे बाबा, चिकन बन गया रे, इसको कैसे खाऊंगा, वही सोच सोच के मेरा पेट भर चुका है। जब पेट में जाएगा तब कैसा खाली होगा वो तो आपको पता ही है ना। वाह क्या बनाया, थैंक यू कबीरा ब्रो, इतना टेस्टी खाना खिलाने के लिए, थैंक यू थैंक यू। अभी तक तो फिलहाल मैं खाया ही नहीं हूँ, फिर भी टेस्टी बोल दिया हूँ, क्योंकि इसका जो खुशबू है ना वो अलग टाइप का नहीं है, इस टाइप का ही है, समझ लो ना। तो अभी फिलहाल खाते हैं, सूंघ सूंघ के खाऊंगा, सूंघ सूंघ के खाऊंगा। तो दोस्तों हमारा डिनर हो चुका है और अभी हम लोग रहने वाले हैं अपने घर में। इधर अपना घर का देखो, पूरा चारों तरफ से दीवार बंद है। बेसिकली ये एक टेंट है, 3% टेंट, जहाँ पे कि अपना परिवार रह सकता है। मेरा तो कोई परिवार है नहीं, तो इसके लिए अपन अपना दोस्त के साथ ही रहेंगे, परिवार घर में है, मजाक कर रहा हूँ। तो चिकन खाने के बाद इतना ही मज़ा आ गया, इतना ही मज़ा आ गया, मेरे को पादने का मन कर रहा है यार, लेकिन क्या करूँ, यहाँ पे अगर पाद दूंगा ना तो ये बंदे बेहोश होकर मर जाएंगे, कहीं कल मिर्गी का दौरा ना आ जाए इनको, तो इसके लिए अभी पादूंगा नहीं, अभी शांति से सो जाऊंगा। शांति से सोने के बाद भी यार ये जानवर का आवाज़ आता है तो फिर डर लग जाता है, समझ रहे हो ना। तो अभी फिलहाल सोते हैं, सीधा मिलते हैं आप लोगों से कब, सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, क्या तगड़ा नींद आया भाई, क्या बताओ, इतना तगड़ा नींद आया, अभी भी मेरा गर्दन दुख रहा है, इसको सही करने के लिए फिर से अभी घर में जाके सोना पड़ेगा, क्या करूं भाई, सीधा बिना मैट्रेस के एकदम ऐसे ही सो गया था ना, तो इसके लिए थोड़ा गर्दन दर्द किया। कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए गर्दन क्या, मैं पैर भी दर्द कर सकता हूँ। बाकी वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर हिट कर देना, और आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब मत करना। सो चलो वीडियो भी करते हैं आज यहीं पे ख़त्म, जय हिंद जय भारत।